अब मैं बोलूंगा भाई, ठीक है, जब आप इस प्रोटीन को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, मुझे तो ये प्रोटीन, अब मैं इतना डिटेल में देख रहा हूं तब दिख रहा है, ऐसे प्रोटीन तो कई होंगे, एक सेल पे एक ही होगा क्या? ऐसे आप पूरे सेल को देखोगे तो भरे पड़े हैं, ऐसे कई रिसेप्टर सजे हुए हैं पूरे। तो मैं बोलूंगा कि चलो एक काम करते हैं, सारा सेल को फोड़ते हैं, सारा प्रोटीन निकालते हैं, और इस प्रोटीन को फिर एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ के अब जो मुझे दिखेगा दैट इज बैंड। क्यों भाई? क्योंकि प्रोटीन जो है वो तो एक सोल्यूशन के फॉर्म में है ना, ज्यादा 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 दिख रहा होगा। अरे बाहर इतना जूम करके मत देखिए, बाहर आई इस दुनिया से। अब आप प्रोटीन को लैब में यूज कर रहे हो, ये अंदर की कहानी थी, ये तो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो लैब में? आपने मान लीजिए आपने कैसे भी करके इस प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, सेंट्रीफ्यूज वगैरह कर लिया, ये सब करके आपने एक बना लिया प्रोटीन वगैरह, आपको मिल गया। यस, प्रोटीन आइसोलेट कर लिया आपने, समझे कि नहीं कहानी? एक्सपेरिमेंट, अब लैब में आ जाइए। लैब में आए, आपने प्रोटीन आइसोलेट किया और फिर आपने चलाना शुरू किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना शुरू किया। इतना तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक पता है कि भाई चलो ठीक है, ये प्रोटीन जो है यहाँ पे हमने एक एक डायरेक्शन में इसको चलाना शुरू किया, जो जो लेट्स से एक इंसान है, एक इंसान के ऊपर इतना भार दे दिया मैंने, हैं ये 5 kg का भार है, और इस इंसान के ऊपर सिर्फ दो ही एक ही केजी का भार है। आप बोलोगे स्पीड किसका ज्यादा होगा, दिस इज ए दिस इज बी, किसका स्पीड ज्यादा होगा, कौन ज्यादा दूर रहेगा? अगर मैं, ये स्टार्टिंग लाइन है, दिस इज स्टार्ट लाइन, दिस इज फिनिश लाइन, रेस चल रहा है, रेस। स्मॉल है वो पहले जाएगा, स्मॉल है वो पहले जाएगा जिसके ऊपर कम भार है या फिर साइज छोटा है, छोटा बच्चा जल्दी भागेगा, ये सुनो, बड़े अंकल जो है वो धीरे धीरे भागेंगे, ये सुनो, है? यस, लाइटर वाला फास्ट। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं किसी रेस को देख रहा हूं, दिस इज लाइक वी आर वॉचिंग अ रेस, एक रेस में कई सारे लोग हैं और ये जो सबसे आगे है यूसेन बोल्ट है, सबसे हल्का है, सबसे लाइटेस्ट है, और फिर हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन स्केल चार्ट लेंगे, हम बोलेंगे चलो भाई एक काम करते हैं, यहां पे ऐसा ही बैंड हमने देखा था, दिस इज योर मार्कर, कुछ भी है, कुछ भी आप मार्कर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, आप लैडर कहते हो, डीएनए लैडर वगैरह, ठीक है, दिस इज अ लैडर और मार्कर काइंड ऑफ अ थिंग, जिस जो कि आपका रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी चीज को कभी कभार एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल भी बोला जाता है, क्या? ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई ये इधर आया, इसका साइज मैंने एक्सपेरिमेंटली पहले से डिटरमाइन कर रखा, मेरे पास चार्ट है, चार्ट से मैच करा रहा हूँ, जिस पीएच में करते थे, पीएच का रंग जो है रखा रहता था, ये जो घर में आरओ आरओ वाले लोग आते हैं आपको कुछ भी बता के चले जाते हैं, वो पीएच वाला जो है वो ऐसे भी काम नहीं करता, वो आपको ये बोलता है देखो 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 ये जो कलर है ना, इसका मतलब आपका ना टीडीएस बहुत ज्यादा है, लगा लीजिए ये वाला फिल्टर, एल्कलाइन वाला लगा दो मैडम, है लगा लीजिए। तो ऐसा चलता है, दिस इज अ रेफरेंस चार्ट, यहां पे हम रेफरेंस चार्ट को यूज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इनका वैल्यूज नोन है, ये वैल्यू अपना हमेशा अननोन रहेगा, ठीक, अननोन रहेगा। अब यहां पे इसको ऐसे करके मैच करा लिया तो हमने बोल दिया ये है इतना इतना है। आप केबी के फॉर्म में देख सकते हो, किलो बेस पेयर डीएनए के केस में, इसके केस में आप किलो डाल्टन्स के केस में देख सकते हो, किलो डाल्टन्स के केस में देख सकते हो। आप बोलोगे सर किलो डाल्टन क्या होता है, हमने बड़ा सुना है इसका नाम, प्रोटीन जब भी लिखा रहता सर किलो डाल्टन हमने डाल्टन भी सुना है सर, है डाल्टन भी सुना है, डाल्टन क्या होता है? डाल्टन वही वो एटॉमिक थ्योरी वाले, हाँ ये वही डाल्टन जी हैं। एक्चुअली अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, यहां पे भी पूछूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे झाड़ दूं, क्लियर कर दूं, साफ कर दूं, वन मॉलिक्यूल, और हेलो जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं मुझसे गेट में वो मत बोलिएगा, आप आंसर मत दीजिएगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वेट कितना होता है, मास? सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से एकदम जल्दी, व्हाट इज द मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? अरे यूनिट के, अरे भाई यूनिट के साथ, 18 kg, 18 टन, 18,000 टन, कितना? अरे अरे यूनिट लिखिए भैया, यूनिट के बिना नहीं आंसर दिया जाता है, 18 रुपए, मुझे क्या पता, 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 18 ग्राम, 18 किलो डाल्टन, 18 AMU। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम 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 ग्राम, ओके ओके ओके, जितने लोग ग्राम कह रहे हैं, जितने लोग ग्राम कह रहे हैं, दिमाग को थोड़ा लगाइए, मैं बोल रहा हूं 18 ग्राम सोना, 18 ग्राम सोना, 18 ग्राम कुछ भी, 18 ग्राम वजन कर सकते हो हाथ से छू के पता कर सकते हो ना, 18 ग्राम। एक पानी का मॉलिक्यूल देखे हो जिंदगी में कभी, किसी ने देखा है, किसी ने देखा है 18 ग्राम का पानी का मॉलिक्यूल, 18 ग्राम देखा है क्या कभी जिंदगी में, बताइए मुझे एक बार, 18 ग्राम जो लोग लिख देते हैं, 18 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास बोला है, एक मॉलिक्यूल, जिंदगी में कभी वाटर का मॉलिक्यूल देखे हो? अगर आपने देखा नहीं है तो उसका मास कैसे बोल दिया, इसीलिए इट शुड बी 18 ग्राम पर मोल, मतलब हिंदी में बोलिए
एक मोल का वजन, एक मोल का वेट जो है दैट इज 18 ग्राम। एक मोल मतलब कितना? अरे भाई 6.022 × 10^23, इतने जीरोस गिनने में आपका एक दिन निकल जाएगा, समझे कि नहीं? बिलियन बिलियन जिलियन जिलियन, उससे भी बड़ा। इतने सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा कर लीजिए तो उसका वजन मात्र 18 ग्राम, समझे कि नहीं? इसीलिए इट इज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का ही एक दूसरा नाम है इज्जत देके, इसी को डाल्टन बोला जाता है। अब समझ गए? एक मोल का वजन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का वजन, समझे कि नहीं? 18 AMU इज फाइन। AMU उसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड मास, उसी को डाल्टन कहते हैं, समझे कि नहीं? अब डाल्टन, अगर कहीं कोई इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ऐसा सवाल पूछ दे तो फिर आप बोलोगे सर क्या क्या पूछते हैं ये लोग, नहीं, दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन, समझो कि नहीं? तो रिलेट कैसे करोगे? क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू हैव नॉट सीन ना। आप प्रोटीन डेली, आप वजन करते हो चीजों को, आप बाकी चीजों का वजन जानते हो, प्याज 1 किलो प्याज कितना होता है, 500 ग्राम प्याज कितना होता है आप जानते हो, पर ये आपने कभी देखा नहीं है, यू हैव नेवर वेड इट हाथ से, तो वो फील कभी आ ही नहीं सकता। तो वो फील थोड़ा लाने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स है, इतना डाल्टन या इतना किलो डाल्टन, तो इतना 1000 डाल्टन तो भी बहुत हल्का है, हमें कभी दिखेगा ही नहीं, इसीलिए उनको जेल्स में हमें रन करना पड़ता है, इसीलिए जेल वेल में रन करके उसको देखना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, समझे कि नहीं? नहीं तो हम हाथ से चुन के नहीं कर देते, इसे इतना नाटक करने का क्या जरूरत था? इतना नाटक करने के करते हैं क्योंकि और कोई उपाय नहीं होता, यही सबसे इजिएस्ट तरीका है, समझे कि नहीं? 1 किलो डाल्टन मतलब 1000 डाल्टन, चलिए ये भी समझे। तो मैंने बोला अगर प्रोटीन्स का साइज लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है? जनरली जेल्स में लिखा जाता है, लेट्स से 200 किलो डाल्टन, ठीक है? अगर इससे बड़े वाले हैं, बड़े भैया 1000 किलो डाल्टन, ऐसे भी हो सकते हैं। मैं जस्ट रैंडम वैल्यूज लिया, जस्ट रैंडम वैल्यूज लिया, ठीक है? तो अब मैं 5 kg ना बोल के इसको 5 किलो डाल्टन बोल दूं, और इसको 1 किलो डाल्टन बोल दूं, 1 किलो डाल्टन वाला अपना आगे भागेगा, दिस इज 1 किलो डाल्टन, दिस इज 5 किलो डाल्टन, एंड दीज आर बैंड्स, एंड बैंड्स सिग्निफाई ईच प्रोटीन। और अब आपको पता चला कि सबका अपना अपना वजन होगा, सबका अपना अपना साइज होगा, यस और नो? तभी तो वो उस जेल, जेल क्या होता है, अगर आप जेल को देखो, इट इज ग्राम पर मोल, यस, ग्राम पर मोल को ही डाल्टन कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो इतना ग्राम एक मोल का, हाथ से वजन नहीं कर सकते, इसीलिए इसीलिए तो इतना छोटा होता है जिसे आप देख भी नहीं पाते, मॉलिक्यूल्स को देख पाते हो क्या? माइक्रोस्कोप कितना भी लेके चले जाएंगे नहीं देख पाओगे, बहुत मुश्किल है, समझे कि नहीं? यहां तक सबको फील आया, समझ आया थोड़ा? अब आप इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझिए कैसे हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि एक यहां पे मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला है, स्त्री टू का शूटिंग चल रहा है, स्त्री टू का शूटिंग, राजकुमार राव एंड पंकज त्रिपाठी, सबका वेट अलग अलग है, पंकज त्रिपाठी एंड ऑल द एक्टर्स, ठीक है? जना भी आ रहा है और उधर जो है भैया भी आ रहे हैं, दिस इज अ जाला, मकड़ी का जाला, ठीक? एंड देयर इज दिस सीरीज ऑफ जाला, ऐसे करके पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है, 3D में सोचिए, 3D में सोचिए, मकड़ी का जाला पूरा कॉरिडोर में बना हुआ है, उसके अंदर से ऐसे 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 करके मकड़ी का जाला पार करते करते आ रहे हैं लोग, भाग रहे, जो हल्का है वो जल्दी भागेगा, जो हल्का नहीं है वो भारी है, वो, और मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर बहुत फैला हुआ है, बाल घुंघराले घुंघराले है, उसका बाल फंस जाएगा, ये सर, इसीलिए स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, ठीक है? भारी लोग पीछे, हल्के लोग आगे, भागते चले जाएंगे, भागते 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 आगे भागते चले जाएंगे, ये सर, दिस इज एग्जैक्टली द सीन गोइंग ऑन। मॉलिक्यूल्स आप ही तो है, आप खुद को मॉलिक्यूल समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाइए अंदर, समझे कि नहीं? ये जो जेल है, दिस इज अ मैट्रिक्स, ऐसा जाला 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 बुना हुआ है, और इस जाले के अंदर से वो पार हो रहा है प्रोटीन, कितना मुश्किल करना पड़ रहा है। आप सोच रहे थे कि अरे हमने अच्छा मूवी है भाई, तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसे करके आपने जब जब वो प्रोटीन को डाला, जेल को लोड किया, और एक कलर भी डाला था, रंग डाला था ताकि दिखे भी जाते हुए, है नहीं तो सब तो ट्रांसपेरेंट है, दिखेगा कहाँ? इतना छोटा मॉलिक्यूल रंग कहां से आएगा? रंग भी तो लगाना पड़ेगा, आप कुछ भी लगाइए, जो भी सोल्यूबल रंग अच्छा रहे। कुमासी लोग करते करते ट्राई करते करते हैं, कुछ लोगों ने हल्दी भी डाल दिया होगा, कुछ लोगों ने कुछ और डाल दिया होगा, केसर डाल दिया होगा, नकली वाला केसर डाल दिया होगा, लोडिंग डाई, सही बात है, रंग चढ़ा दिया ताकि वो जहां जहां जाए हमें जाता हुआ दिखे, बस इतना ही पर्पस है, विजुअलाइजेशन, ठीक? लोडिंग डाई डाल दिया, तो इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी किसी भी केस में। आगे आगे बढ़ता चला गया, आपको वो दिखता दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बैंड्स भी दिख रहे हैं, नहीं तो कहां से दिखेगा भाई? मैं क्या बोला था, प्रोटीन इतने छोटे हैं और इतने ट्रांसपेरेंट होंगे ना, कहां से दिखेंगे? रंग लेके थोड़ी आएंगे, चमकते रहेंगे ऐसे करके, अरे देखो भैया हम यहां पे हैं, नहीं दिखेंगे, क्लियर? नाउ दिस इज हाउ दे आर गोइंग, ओके, दैट्स ग्रेट, समझ गए पूरा प्रोसेस कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें समझ गए, भारी भरकम चीजें नहीं समझना होता, क्वेश्चंस करने के लिए इतना ही समझना होता है, ठीक है? डन, समझे ये वाला पार्ट? और एक और चीज समझाऊंगा आपको अभी। अब दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट, जो आप अगर समझ गए, अब आपके लिए सारे जेल डायग्राम्स, जितने साल के, दुनिया के जितने जेल डायग्राम्स के क्वेश्चन हैं, वो आप कर लोगे। किलो डाल्टन को क्यों बताया? किलो डाल्टन अगर आप विजुअलाइज ना कर पाओ तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसीलिए बता दिया। किसी को हो सकता है कि किलो डाल्टन का मतलब समझ ना आता हो, है ना? इसीलिए नाउ सभी लोग दुकान में गए होंगे,
सबके घर में शहर में एक बिग बाजार था, अब बिग बाजार को रिलायंस ने खरीद लिया तो वो स्मार्ट बाजार बन गया। स्मार्ट बाजार में आप बोले कि भैया देखो, वो पूछा कि यूपीआई पेमेंट होगा, कार्ड पेमेंट होगा, अगर नहीं भैया आजकल निर्मला जी जो कर रही हैं, अब तो कैश में ही डीलिंग होगा, है कैश में ही डीलिंग होगा, कहाँ से इतना टैक्स वैक्स इतना ट्रैक होता है बताइए, कैश ही में करेंगे पैसा देंगे, यस और नो। फिर हमने बोला चलो कैश, ओनली कैश एक्सेप्टेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग घूम जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे तो, कहीं नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, ढूंढ लीजिए कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बोला हमारे जिंदगी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण रंग है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रंग दुनिया में नहीं हो सकता। आप बोलोगे एक ऑरेंज कलर होता है सर, एक अपना ये स्काई ब्लू कलर भी होता है सर, एक और रंग होता है पर्पल कलर सर, ठीक है, और फिर हम बोलेंगे सर एक एक, एक वो ब्राउन कलर का भी होता है सर, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का एक ब्राउन कलर भी होता है, यस। फिर आप बोलोगे नहीं सर एक, एक, एक ग्रीन कलर भी हमने देखा है, एक हरा रंग भी देखा है। बोलोगे सर सबसे बड़ा भी एक होता है, उसका कलर सर पहचान में नहीं आता है, पर इट इज मोस्ट प्रोबेबली ऑलिव ग्रीन, ऐसा कलर होता है सर, बैंड का साइज। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक नंबर लिख दिया 500, इसके ऊपर लिख दिया 200, इसके ऊपर लिख दिया 100, इसके ऊपर लिख दिया 50, इसके ऊपर लिख दिया 20, इसके ऊपर लिख दिया 10। आप दोस्तों रुपए लिखिए, आप इस पे रुपए लिखिए, या आप चाहें तो इस पे किलो डाल्टन लिखिए, डीएनए के केस में इसमें के भी लिखिए, मतलब वही होगा। सही बात है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। देखिए हर दुकान में, जिनके घर में भी दुकान होगा, जिनके आसपास दुकान होगा, जो दुकान देखे होंगे, करीबी से देखे होंगे, कैसा नो, हाँ कुछ कुछ मारवाड़ी लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, जिनके घर में बिजनेस होता है, उनको तो अरे भाई बचपन से देखा है कि नहीं, अरे ये तो इससे ही तो एबीसीडी हुआ था, है हम नंबर सिस्टम यहीं से सीखे थे, 1 1 10 20 50 100 200 ऐसे। अच्छी बात है, मजेदार चीज है, पिंक वाला बैन हो गया, हाँ पिंक वाला बैन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब क्या है, मैंने बोला अगर एक दुकान पे जाओगे, यह है दुकान का कैश काउंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोलॉजी के सारे क्वेश्चंस, इम्यूनोलॉजी के जितने क्वेश्चंस होंगे सारे इसी लॉजिक से करवाऊंगा आपको, जितने यूनिट के जो भी क्वेश्चन जेल डायग्राम बेस्ड आएंगे, अगर आप ये बुद्धि लगाएंगे तो आपसे ये वो क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, इसलिए तो बोलो रुकिए मजा आएगा। मैंने बोला 200 का काउंटर, 500 का काउंटर ये है, 500 का काउंटर ये है, हाँ बनिया लोग, यस चलिए एकदम बनिया बुद्धि, देसी बुद्धि है ये। नाउ यहां पे हम कहेंगे कि कैश काउंटर का डिजाइन हमें थोड़ा अलग तरीके से बनाया, अरे अपना मर्जी, ऐसे करके हमने कैश काउंटर का डिजाइन बनाया। ओके, फिर हमने क्या कर दिया, इन नोट्स को अलग अलग जगहों पे अब सजाना शुरू कर दिया। अरे 200 ऑरेंज होता है जी, येल्लो तो नहीं लगता मुझे, गोल्डन येल्लो ऑरेंजिश काइंड ऑफ। यहां पे मैंने एक एक नोट को रखना शुरू किया, ये इसको यहां रखा, ये इसको यहां रखा, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैंने यहां रखा, समझिएगा बहुत गजब चीज है ये, खेल है एक। यहां पे मैंने इसको यहां रखा, इसको मैंने यहां रखा, इसको मैंने इधर रखा, चलिए इतना ही काउंटर था मेरे पास। मैंने बोला साइज के हिसाब से छुटको नोट सबसे ज्यादा उड़ेगा, ये सर नो, अरे शादियों में कौन सा नोट उड़ता है, कोई ऑलिव ग्रीन उड़ाता है क्या, अरे ना जी ना, 10 उड़ाते हैं सब, है कि नहीं, सबको पता है खर्चा करना है, पर नंबर में ज्यादा दिखाना है, नोट्स नंबर में ज्यादा दिखाना है, यस और नो। पोजीशन काउंटर का चेंज नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब मजाक को थोड़ा साइड रखिए, दीज आर द पोजीशंस ऑफ द नोट्स, पोजीशन साइज को दर्शाता है, पोजीशन बैंड के मैं नोट या बैंड कुछ भी कह सकता हूं, मैंने थोड़ी कहा ये रुपए मान लीजिए, किलो डेल्टन मान लीजिए, किलो बेस पेयर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फॉर डीएनए किलो बेस पेयर, फॉर प्रोटीन केडीए, एंड फॉर अपना देसी लॉजिक रुपीज, और क्या। तो अगर आप ये करोगे, ये खेल खेलोगे, तो यहां पे हम ये कहेंगे कि इस काउंटर का एक निर्धारित अमाउंट है, यहां लेट्स से 500 का नोट रख रहे हो, 500 किलो डाल्टन, तो 500 किलो डाल्टन के ही रखोगे, अब आप नोट की गड्डी बढ़ा दीजिए, लेकिन 500 के नोट को इधर नहीं रखोगे, 500 के नोट को इधर ही रखोगे, और इसके बाद इसको मैं यहीं रखते चलूंगा, इज इट क्लियर, मैं इसको बढ़ाता चलूंगा, यहां पे नोट की गड्डी बढ़ते चलेगी, यस बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, यहां पे बहुत बहुत मोटा नोट हो जाएगा। तो गड्डी का थिकनेस जो है, गड्डी का थिकनेस किलो डाल्टन बोलू, ठीक है किलो डाल्टन बोलता हूं, दिस इज किलो डाल्टन, 500 किलो डाल्टन का है, एक प्रोटीन है, उसका एक बैंड मिला, एक बैंड जिस पोजीशन पे मिला वो पोजीशन वही रहेगा, हो सकता है बैंड का थिकनेस इतना हो और बैंड का थिकनेस इतना हो, लेकिन पोजीशन वही है,
पोजीशन 500 की जगह पे ही है, तो आप ये बोलोगे इससे हमें यही पता चल रहा है कि इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा है, मतलब नोट की गड्डी मोटी हुई है पर रंग वही रहेगा, बैंड थिक दिखेंगे। यस 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 हाँ, अगर बैंड गायब है मतलब वो आया ही नहीं है, वो प्रोटीन हमें मिला ही नहीं, किसी कारण से नहीं मिला, गायब है तो नहीं मिला, मिला है कहां पे मिला है वो इंपॉर्टेंट है, कहां पे मिला है विल टेल द साइज, कहां पे मिला है विल टेल द साइज, एकदम उसी लोकेशन पे ढूंढना है। कभी कभार ये डेटा नहीं दिया रहेगा, कभी कभार नंबर मेंशन ही नहीं रहेगा, सिर्फ रिलेटिव पोजीशन रहेगा, यहां पोजीशन दिया है वहां पोजीशन दिया है मैच कराओ, यहां पोजीशन वहां पोजीशन मैच कराओ, क्लियर। तो ये आप खेल खेलने वाले हो, ठीक, समझ गए ये पूरा फंडा। कभी भी इम्यूनोलॉजी में आपसे सवाल पूछा जाए, नाउ लेट्स कम बैक टू सच क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? अरे देखिए अभी अभी देखिए, अब देखिए कैसे खेलते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे दिया इम्यूनोलॉजी का, आज पहला क्लास है, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, कुछ मिस हो गया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। IgG, मैंने बोला IgG, और मेरे पास एक IgM, आपको कहीं ना कहीं बचपन में किसी कॉलेज में गलती से कान में ये बात आ गया, मैं ही बोल देता हूं, इट्स अ फैक्ट कि ये भाई साहब जो हैं ये एक पेंटामेरिक स्टेट में रहते हैं, एक पेंटामेरिक स्टेट में रहते हैं, ऐसे करके पांच पांडव ऐसे रहते हैं, ठीक, ये पेंटामेरिक स्टेट में है, 5x पांच लोग। IgG जनरली अपना मोनोमेरिक स्टेट में रहता है, एक ही यूनिट, मोनोमर पांच मर, ठीक। इसमें हम देखते हैं एक अलग चेन होता है। अब आप एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, जनरल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दो ही बैंड्स नजर आएंगे। आप बोलोगे क्या ही बैंड्स है सर, एक ये मोटा वाला, अब ये बैंड भी तो कभी जीन था जी, सास भी कभी बहू थी, तो ये जो है ये जो आज आपको सास के रूप में यानी प्रोटीन के रूप में दिख रही है, ये भी कभी बहू थी यानी जीन थी और वहां से आई है, ये सर नो वीटीजे रीअरेंजमेंट, बहुत कुछ खेल, बहुत मशक्कत, बहुत कुछ करके आज इस स्टेज पे आई है, ये सर नो। नाउ द थिंग इज, आप बोलोगे यहां दो ही चीजें हैं, हैवी चेन लाइट चेन, एक हल्का चेन एक भारी चेन, फिर आप बोलोगे हाँ ठीक है सर उसमें डोमेन भी होते हैं अलग अलग, मतलब इसमें बोलेंगे ऊपर वाला पार्ट वेरिएबल, वेरिएबल तो वेरिएबल हैवी, वेरिएबल लाइट, इधर बोलेंगे वेरिएबल का, ठीक है। अब जो है कॉन्स्टेंट रीजन आना शुरू, अब ये कॉन्स्टेंट रीजन आना शुरू, कॉन्स्टेंट लाइट यहाँ पे, कॉन्स्टेंट हैवी वन, फिर आप बोलोगे यहाँ हिंज हिंज टेढ़ा आ गया, अरे दरवाजे में हिंज होता है ना, वैसे गर्दन ऐसे मुड़ गया, हिंज हिंज जॉइंट्स, ऐसा कुछ भी जो भी समझना चाहो हिंज आएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर यहाँ पे एक और रीजन होगा CH2, एक होगा CH3, मिथाइल ग्रुप नहीं है दोस्तों, है मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट रीजन का वो हैवी वाला चेन, हैवी चेन कांस्टेंट रीजन का, और तीसरा, क्योंकि ऐसे पहला और दूसरा भी तो था, हिंदी 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 मदर टंग, हिंदी नॉट नेसेसरी बट मदर टंग में अपना समझिए, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को, अंग्रेजी वगैरह भारी भरकम बातें साइड रहने दीजिए, समझे कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि तीन ही होंगे, कुछ लोगों में चार भी होता है, वो भी देखेंगे, देयर आर सम अदर केसेस एज वेल, पर ठीक है मैं मान के चलता हूं दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ये जो एक एक यूनिट है ये सेम है। अब आपसे पूछा गया, यहां पे बोला गया कि एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि देर इज दिस ज्वाइनिंग चेन, देर इज अ जे चेन एडिशनली इन केस ऑफ IgM जो कि पेंटामेरिक स्टेट में है, उनके पास ये होगा। अब आपको बोला गया है, नाउ ब्यूटीफुल थिंग इज डन, यहां पे क्या किया जाता है, जितने सारे कहानी देखिए, क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, क्वेश्चन बोलेगा कि IgM अ रिसर्चर टुक IgM IgG एंड IgM एंटीबॉडीज एंड देन देर वॉज सब्सिक ही ट्रीटेड दीज एंटीबॉडीज विथ ही ट्रीटेड दीज एंटीबॉडीज विथ अ डी नेचरिंग एजेंट, या फिर ऐसा बोल देगा इट वॉज ट्रीटेड विथ डाइथायोथ्रिटोल, क्योंकि आप तो पढ़ के आते हो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, वो लिख देगा डाइथायोथ्रिटोल, या फिर ऐसा लिख दे टू मरकैप्टोइथेनॉल। आप बोलोगे सर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल होता है, हमने तो ऐसा ही पढ़ा है, अरे इथेनॉल होता है ये, एक होता है CH2 और इधर हो जाता है सल्फाइड्राइल ग्रुप, ठीक है एस वाला ग्रुप होता है, हाँ मैं भूल जा रहा हूं पर ठीक है स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा बीटा पोजीशन पे मरकैप्टो इथेनॉल, अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन ये, आप समझे बीटा मरकैप्टो कहां से आया, मरकैप्टो इज SH ग्रुप, ठीक है हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक ब्रेक करता है, कैसे करता है खुद छीन लेता है क्योंकि उसके पास भी वैसा ही टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नाउ कमिंग बैक, मैंने बोला इट वॉज ट्रीटेड विद बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एंड आफ्टर दैट बोथ दीज सैंपल्स वॉज, फिर क्या बोलेगा कि अब ये जो दो सैंपल्स हैं लेबल्ड ए एंड बी, नाउ द रिसर्चर फॉरगॉट द लेबलिंग, ही मिसप्लेस्ड द लेबलिंग्स, देखिए क्वेश्चन को कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, थायोल ग्रुप यस, तो अब जब इस चीज को बढ़ा, अब यहां पे आगे बढ़ा रहे हैं, फिर इन्होंने लिखा कि
लेबल भूल गया, वो रिसर्चर अपना लेबल भूल गया, अब क्या करेगा वो जेल, उसको पता है कि वो उसको अलग करना है इन दोनों को बेस्ड ऑन देयर जेल पैटर्न्स। फिर इन्होंने इसी चीज का जेल लोड किया, ये सब किया, रेडी किया, एंड देन ही गॉट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डायग्राम्स। फिर उसका वेस्टर्न ब्लॉट किया, ये सब करने के बाद उसको जेल डायग्राम्स मिले, और उसको दो जेल डायग्राम्स मिले। उसे नहीं पता क्या मिलेगा, एक जेल डायग्राम ऐसा मिला, एक जेल डायग्राम ऐसा मिला, और एक जेल डायग्राम ऐसा मिला, ऐसा मिला, थोड़ा मोटा मिला इधर, थोड़ा मोटा इधर भी मिला, और लेट्स से एक और बैंड मिला। कौन किसका है? दिस इज ऑफ आईजीजी, दिस इज ऑफ आईजीएम, दिस इज ऑफ आईजीएम, दिस इज ऑफ आईजीजी, वो तरफ आईजीजी, वो तरफ आईजीएम, नहीं पता क्योंकि दोनों का लेबल मिट चुका है। अब आप एज अ रिसर्चर पूरे कहानी में वापस जाओगे और आप इसको आंसर करोगे। देखिए ऐसे बनते हैं सीएसआईआर के पार्ट सी वाले क्वेश्चंस। मजा आया? हमने एक क्वेश्चन खुद बनाया, एक सिनेरियो लिया आईजीजी, एक सिनेरियो लिया आईजीएम जिसको पेंटामेरिक स्टेट में देखा, फिर हमने क्या किया, एंटीबॉडीज यहां पे थे, फिर हमने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराया, जेल रन कराने के बाद हमें उसका एक पैटर्न मिला, वेस्टर्न ब्लॉट किया, और उसके बाद हमें ये मिला। यस, अब इफ यू रिमेंबर माई नोट वाला लॉजिक, हाँ बोलोगे सर जो भारी है वो पीछे है, सही बात, जो हल्का है वो आगे है, यानी लाइट चेन। यहां पे कई सारे, मैंने ए बोला बी बोला, यहां पे कई सारे हेवी चेन्स होंगे ना जी, ये एच, ये एल, ये हेवी चेन, ये लाइट चेन। अब मोटा बैंड क्यों दिख रहा है? अरे आप यहां पे एक को ले रहे थे, यहां पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ, हेवी हेवी ही रहा, बस उसका मोटापा बढ़ गया, क्योंकि पेंटामेरिक है, क्योंकि कई सारे हैं तो आपको थिक बैंड मिलेगा, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं होगा। नोट हमें पता, अरे भाई ये 500 का नोट, ये 200 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, और इधर क्या एक नया 10 का नोट भी है, क्या जॉइनिंग चेन, जॉइनिंग चेन इज अ सेपरेट छोटा वाला चीज जो कि प्रेजेंट होता है इन लोगों में, इन लोगों में, सब में नहीं होता, आईजीएम में होता है, आईजीएम में होता है। जी जी, थ्री बैंड्स, मजा आया, लगा कुछ, लगा इम्यूनोलॉजी, कितना इम्यूनोलॉजी लग गया जी इसमें, डिड यू गेट इट, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, इतना डर, वो कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन सर, बहुत पढ़ना पड़ेगा सर, बहुत डिटेल में, और डिटेल में पढ़ाइए सर, समझे कि नहीं? हमने तो नहीं पढ़ा कुछ, कहां पढ़ा, पढ़ाई शुरू ही नहीं किया है यार, पहला क्लास है आज। दिस इज नोट्स का लॉजिक, एक क्वेश्चन आप करके आए आईजीए में, हाँ आईजीए में वी टॉक अबाउट दोस चेन्स, आईजीए में एक सिक्रेटरी कॉम्पोनेंट भी होता है, चार चेन्स होते हैं उसमें, चार बैंड होते हैं, अरे आने तो दीजिए वो टॉपिक। थर्ड बैंड इज ऑफ जे चेन, ज्वाइनिंग चेन, ठीक है, एक अलग से चेन होता है, जॉइनिंग चेन, पढ़ेंगे ना अभी, रुकिए ना, कहां इम्यूनोलॉजी आया है, पॉज हो गया था, फिर से बोल दूं। तो हमने बोला कि एक रिसर्चर, क्वेश्चन 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 क्या था, अ रिसर्चर, अब सुनिए अंग्रेजी में क्वेश्चन सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप हटाइए और ब्लैंक पेपर पे इमेजिन कीजिए, अ रिसर्चर वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन आइसोलेटिंग एंटीबॉडीज, द रिसर्चर सक्सेसफुली एंटी, द रिसर्चर सक्सेसफुली आइसोलेटेड IgA and IgM antibodies from the serum of an immunized mouse. मैं अभी बना रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक समझे? Then the researcher isolated these two antibodies and he or she prepared two vials where she poured the proteins, antibodies, IgA and IgM. But accidentally she misplaced the labeling of both. मिट गया, मिट गया, बारिश हुई थी, मिट गया। देन टू आइडेंटिफाई विच एंटीबॉडी इज देयर ए एंड बी में, शी कैरिड आउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड देन सब्सिक्वेंटली इट वॉज फॉलोड बाई वेस्टर्न ब्लॉट। मैं ब्लैंक पेज पे सोचने के लिए बोल रहा हूं, अभी अभी क्वेश्चन मत देखिए, ट्राई टू इमेजिन द क्वेश्चन, देखिए आप कितना थ्रेशोल्ड है आपका, कितना आप झेल पा रहे हो। There was a researcher, there was a researcher. Imagine कीजिए, imagine कीजिए, अरे imagine, भैया लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप सोच रहे हो कि कोई दिक्कत है। Imagine, just listen and imagine. तभी तो सोच सकोगे ना। हाँ, रुकिए, रुकिए। बारिश हुई थी, मिट गया। स्टोरी क्या था? अरे चलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा फिर। There was a researcher, researcher was working on mouse, mouse से उसने, उन्होंने क्या कर लिया? इम्यूनाइज करके सीरम से निकाल लिया कुछ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज में आईजीजी मिला और आईजीएम मिला, और उनको आइसोलेट करके उन्होंने दो वायल्स में रखा था, उसको ए और बी लेबल किया था, और ये भी लिख दिया था कि ए इज आईजीजी या फिर बी इज आईजीएम। उसके बाद क्या हुआ, इस पे जो ये मार्क रखा था, फिर बारिश हो गई, लैब से भाग गए, इतना बारिश हो गया, पानी भर गया, और इसके बाद जो है, अब बेसमेंट में लैब था जी,
ये लैब जो था बेसमेंट में था, इसीलिए मिट गया, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी भर गया, और उसके बाद जो है ये होने के बाद, ठीक है, ये मिट गया। मिटने के बाद, ठीक है, मिटने के बाद क्या हुआ, अभी पहचान नहीं पाए, बाद में आए बारिश में सब धुल के, फिर भी देखा कि अच्छा ठीक है बचा हुआ है। अब यहां पे इसमें से लेवल मिट चुका है, उन्हें नहीं पता कि कौन सा क्या है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको लेके गए, इसको लेके गए कहां, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद पेज किया, पेज, ठीक है, एसडीएस पेज किया, और क्या किया इसमें, इससे पहले उन्होंने बोला कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को उड़ा देने के लिए, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर उसका ब्लॉटिंग किया, और फाइनली जो है ये मिल गया, वेस्टर्न ब्लॉट किया। ब्लॉट मतलब क्या होता है, अरे ब्लॉटिंग, इतना डरिए मत, ब्लॉटिंग आप भी करते हो, ब्लॉटिंग पेपर यूज करते हो कि नहीं, इंक ज्यादा फैल जाता तो क्या करते हो, एक टिश्यू पेपर लेते हो उससे ब्लॉट करा देते हो, ये वही तो है, यहाँ पे भी तो यही होता है, सदन ब्लॉट, और ये ब्लॉट 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 मतलब क्या, छापा लेना, छापा इंप्रेशन, यहाँ जो आया है उसको यहाँ पे भी चिपका के, ये प्रिंट, ये देखो जेरोक्स कॉपी, यही है जो आया है, जेल को थोड़ी दुनिया को दिखाओगे, जेल उठा के गिर जाएगा ना जेल, इसीलिए उसका एक प्रिंट लेते हैं और प्रिंट लेके दिखाते हैं, ये देखो फोटो कॉपी, असली मत मांगना, ओरिजिनल मत मांगना, ठीक है, दिस इज ब्लॉट का कॉन्सेप्ट, सदन ब्लॉट हो जाए, ये ब्लॉट हो जाए, वो ब्लॉट हो जाए, ठीक, समझे कि नहीं, हाँ, कुछ ना कुछ यूज करेंगे, कुछ ना कुछ यूज करेंगे। नाउ ये हमने किया, ये चीज हमने किया, और ये करने के बाद हमें ये छापा मिला, नोट का पोजीशन मिला, और ऐसे अब पूछा गया कि भाई इधर मिले इसको दो ब्लॉट्स, ये भी दिया गया क्वेश्चन में, पार्ट सी का क्वेश्चन तो बन चुका है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब 500 वर्ड्स क्रॉस कर चुका है, मतलब पार्ट सी का क्वेश्चन है। फिर क्या किया, इन ब्लॉट्स को चार ऑप्शंस में दे दिया कि ये ब्लॉट था, ये ब्लॉट था, ये ब्लॉट था, आईजीए का ये ब्लॉट था, आईजीएम का ये ब्लॉट था, इसके बेसिस पे, अब रिसर्चर को तो पता है ना, वो तो इस पे काम कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा ना कि इनमें से कौन सा ब्लॉट किसका होगा, तो अब आइडेंटिफाई करना था, चार ऑप्शन दे दिए गए, अब आप बोलोगे कि कौन सा होगा किसका, ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे, ऐसे कुछ उड़ाए हुए होंगे, कुछ में से एक चेन गायब भी होगा, ऐसा भी एक ऑप्शन होगा, समझे कि नहीं, एंड देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा आईजीए कौन, आईजीजी कौन है, आईजीएम कौन है। आप बोलोगे सर आपके आपके मुंह में दही शक्कर, घी शक्कर, जो भी है शक्कर, कोई भी स्वीट प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आ जाए बस हमारे एग्जाम में इस बार, है एग्जैक्ट क्वेश्चन, तब तो मजा ही आ जाएगा, क्या पता, क्या पता, थॉट प्रोसेसेस काफी लोगों का एक तरीके से चलता है, हू नोस, बन जाए शायद ऐसा ही कुछ आसपास का, ठीक है, बट हम ये मान के नहीं चलेंगे, कुछ भी दे दे वी विल बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें वो देसी लॉजिक पता है कि भाई हर बैंड एक एक नोट की तरह है, ये एक भारी नोट है, बड़ा पत्ती और ये छोटा पत्ती, ये सब छोटा पत्ती आगे आगे भागेगा, और ये जो पीठा, ये जो पीछे जो है, ये जो मोटा पत्ती है, मोटा पत्ती पीछे रहेगा, यस, एक नया पत्ती भी है इसमें आईजीएम में, जे चेन, इसलिए तीन बैंड्स। नाउ दिस इज अ फैक्ट, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसमें थोड़ा सा फैक्ट नॉलेज जो चाहिए आपको वो ये है कि आईजीएम के पास एक जे चेन होता है, हैवी चेन होता है, लाइट चेन होता है, अब ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप इसको तीन बैंड्स के फॉर्म में कैसे दिखाओगे, कहां दिखाओगे, कैसे नहीं दिखाओगे। हाँ, एक नॉलेज पॉइंट जरूरी है, एक नॉलेज पॉइंट जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए नॉलेज, ना 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 ऐसा नहीं है, नहीं तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं, फिर तो यही सब करके आप एग्जाम में करके आ जाते, नहीं, कुछ नॉलेज चाहिए, बट वो नॉलेज बहुत कम है दोस्तों, आईजीएम के पास जे चेन होता है ये पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको कोई 20 घंटे देने की जरूरत नहीं है, इट टेक्स हार्डली 1 मिनट, आईजीए ऑल्सो हैज जे चेन, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ सिक्रेटरी आईजीए इट हैज अ सिक्रेटरी कॉम्पोनेंट, तो चार बैंड मिलते हैं वहां नॉर्मल केस में, समझे कि नहीं। हेवी चेन इज डिस्टिंक्ट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये जो है 100 का नोट अलग होगा, यस, हेवी लाइट जे चेन, यहां पे तीन अलग चीजें होंगी, दीज आर थ्री सेपरेट नोट्स, थ्री डिफरेंट नोट्स, जिसमें से एक हल्का एक भारी, इस तरीके से है, मैं बस एक रैंडम पिक्यूलियर एग्जाम्पल ले रहा था, मैंने अभी बनाया है क्वेश्चन आपके सामने, मजा आया कि हमने एक क्वेश्चन भी बनाया, एक क्वेश्चन से हम चीजें भी सीखे, कुछ फंडामेंटल चीजें सीखे, बहुत बेसिक चीजें सीखे, फॉस्फोराइलेशन किसको कहते हैं, फॉस्फेट रेसिड्यू क्या होता है, कहां से कैसे काइनेज काम करता है, ये सब सीखने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन पे, जस्ट अ मोमेंट, इस क्वेश्चन को हम वापस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, अब सब कुछ सीख के आए। अच्छा, प्रोफेसर ने इंटरव्यू में पूछा था ये सवाल, बताइए आप बैंड ड्रॉ करके दिखा देते तो प्रोफेसर खुश हो जाते हैं, चलिए अगली बार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन अगेन, हाँ, आईजीएम और आईजीएम मिक्स हो जाए तो आप इसको अगर पहचानना चाहोगे, इसका फिंगरप्रिंट कौन हुआ, भाई जे चेन, जे चेन इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इनमें, और मोटा मोटा बैंड, आईजीएम में मोटा बैंड मिलेगा, आईजीएम में, आईजीए में उतना मोटा बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डाइमर और पेंटामर में, पेंटामर बड़ा होता है, पेंटामर के नंबर ऑफ गड्डी, गड्डी मोटा होगा, यस और नो, अरे पहले ही आंसर थ्री, अरे रुकिए कहां आंसर थ्री आ जा रहा है, चलिए, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटीके डाइमराइजेस एंड ऑटोफॉस्फोराइलेट्स इन प्रेजेंस ऑफ
लिगेंड, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, एक लिगेंड आता है, एक लिगेंड आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, ये लोग पास आके ऐसा करके कैच कर लेते हैं, मान लीजिए लिगेंड है, ये लिगेंड है ऐसा करके लिगेंड रोड के आया, मैंने कैच कर लिया, ये दोनों डाइमराइज कर गए, दिस इज डाइमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, मैंने मैं विजुअलाइज कर लिया। फिर हम बोलेंगे ए एक सेकंड, किस काम का है भाई इंफॉर्मेशन, इस क्वेश्चन के लिए कोई काम का है क्या, हटाओ, तो क्या ये तो बेसिक बातें है ना भाई, वही चीजें बता रहा है, किताब का थ्योरी लिख के आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ, निकाल लेंगे। नेक्स्ट, और रिसर्चर मैं यही करता हूं एग्जाम हॉल में, मैं यही करता हूं, मैं अपना थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट, मैं बातें करता हूं, रोस्ट करता हूं, कभी कभार मजाक उड़ाता हूं, एट गलत बात ना, अ रिसर्चर प्रिपेयर्स थ्री कंस्ट्रक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री कंस्ट्रक्ट बनाए, थ्री कंस्ट्रक्ट, अलग अलग कंस्ट्रक्ट बनाया, अपने से बनाया, कंस्ट्रक्ट कहां से बना दिया भाई, प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट किया क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाके, नहीं भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है दिस इज अकरिंग प्रायर टू प्रोटीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन लेवल पे किया होगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हाँ यस, तो रिसर्चर ने तीन कंस्ट्रक्ट बनाया जीन के लेवल पे दैट एक्सप्रेस, हाँ मॉडिफिकेशन, खेल खेल रहे हैं यहां पे, आइदर द, क्या बोला है, ए तीन पॉसिबिलिटीज, आइदर द फुल लेंथ प्रोटीन हैविंग काइनेज डोमेन एज वेल एज थ्री टायरोसिन रेसिड्यूज, मैंने क्या बोला अब, काइनेज डोमेन, काइनेज, काइनेज मतलब क्या, बिंदी लगाने वाला, बिंदी कौन, अपना बिंदी कौन, बिंदी है फॉस्फेट, काइनेज कौन है, बिंदी लगाने वाला, बिंदी अप्लायर, यस, और एक चीज है टायरोसिन रेसिड्यूज, टायरोसिन क्या है, कपाल, कपाल या फिर फोरहेड, इज इट क्लियर, ये बस ये तीन किरदार है हमारे कहानी में, तीन किरदार, क्या, बिंदी जो कि लगाया जाएगा किसके कपाल पे, टायरोसिन के कपाल पे, और कौन, काइनेज कौन है, बिंदी लगाने वाला, बिंदी अप्लायर, ओके ग्रेट, हमने अपने डिफाइन कर दिया यहां पे, क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में समझिए, अपने लैंग्वेज में समझिए, अरे चश्मा गिर जा रहा था, फुल लेंथ प्रोटीन हैविंग अ काइनेज डोमेन एज वेल एज थ्री टायरोसिन रेसिड्यूज, मतलब आप बोलोगे बिंदी अप्लायर भी है, आप क्या बोलोगे, काइनेज डोमेन के लिए यस है, और किसके लिए यस है, टायरोसिन रेसिड्यूज, तीन टायरोसिन रेसिड्यूज है उसके लिए भी यस है, मतलब बिंदी अप्लायर है और कपाल भी है, फोरहेड भी है, ठीक है, अच्छी बात है, बी बी, अगले पे आइए, अब इसके बाद क्वेश्चन मत देखिएगा, आपने अपना इंटरप्रिटेशन लिख दिया ना, अब क्वेश्चन को भूल जाइए बस, आप क्वेश्चन को अपने भाषा में लिख रहे हो बस, आरटीके विद नॉन फंक्शनल काइनेज डोमेन, काइनेज है पर काम नहीं करता जी, काइनेज होते हुए भी काम नहीं करता, तो ना ही होने के बराबर हुआ ना जी, हो के काम नहीं करता और नहीं है, एक ही बात हुआ, और क्या बोला, बट विथ थ्री टायरोसिन रेसिड्यूज, लेकिन हाँ, उसके पास कपाल है, उसके पास कपाल है, मतलब बिंदी अप्लायर अब नहीं है, अपना 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 वाला पैकेज में नहीं है, पर कोई और तो बिंदी लगा ही सकता है, क्योंकि कपाल है ना जी, वो बोलेगा मैं खुद बिंदी नहीं लगा सकता, ये सकती, पर कोई और मुझे आके लगा सकता है, अगर कोई बगल में कोई और प्रेजेंट है तो वो मुझे लगा के जा सकता है, आई डोंट माइंड। केस सी, आरटीके लैकिंग द थ्री टायरोसिन रेसिड्यूज बट हैविंग अ फंक्शनल काइनेज डोमेन, आरटीके लैकिंग द थ्री टायरोसिन रेसिड्यूज बट हैविंग अ फंक्शनल काइनेज डोमेन, आप बोलोगे इसके पास बिंदी अप्लाइंग वाला हाथ है लेकिन तीन टायरोसिन रेसिड्यूज ही नहीं है भाई, कहां कपाल में लगाएंगे बिंदी, फॉस्फोराइलेट कर भी दोगे तो क्या कर लोगे, यस और नो, हाय हाय हाय, इसके पास कपाल ही नहीं है रे, ये सर नो, यहां तक बाल है, इसका कपाल दिख भी नहीं रहा है, कहीं बिंदी नहीं लगा पाओगे, यहां तक बाल है, ये सर कौन सा हेयर कट होता है मुझे नहीं पता, हाँ पर ऐसा वाला हेयर कट है, यहां तक पूरा कवर करते हुए, ठीक, चलिए कहानी यहां तक हमने समझ लिया, इसको आप वापस मत देखिए, अब वापस मत देखिए, यू आर श्योर अबाउट दिस, दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, भूल जाइए भूल जाइए, उधर कुछ भी है भूल जाइए। नेक्स्ट, शी एक्सप्रेस्ड दीज थ्री कंस्ट्रक्ट इन सेल लाइन्स, शी एक्सप्रेस्ड दीज थ्री कंस्ट्रक्ट इन सेल लाइन्स लैकिंग द आरटीके, लैकिंग द आरटीके, अब बहुत इंपॉर्टेंट, कटोरा हेयर कट, ओके, आरटीके एबसेंट है, या तो अकेले एबसेंट या तो कॉम्बिनेशन में, ओ भाई साहब, कॉम्बिनेशन में, मतलब हमें तो पता है आरटीके दो लोगों से बनता है, डाइमराइज करता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए डाइमराइज करता है, तो बोलेगा कि डाइमराइज अपने साथ भी कर सकता है, आप बोलोगे ए के साथ कर सकता है, अगर लेट से बी है तो ए बी के साथ भी तो कर सकता है, ए बी के साथ भी डाइमराइज कर सकता है, ए ए ए बी ए बी बी ए, है ना, सी ए सी बी, सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, यानी ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी, यहां पे अगर ए लिखा हुआ है तो आप बोलोगे ये ए प्लस ए का है, सेम टाइप के लोग,
सेम टाइप के लोग, C++, समझे कि नहीं? थोड़ा दिमाग खुला अब, कि यहां पे कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन। ए से कौन है यहां पे, बी से कौन कौन है, एक बार जरा नाम जिनका शुरू होता है उनका नाम ले लेता हूं फटाफट। यस, ए से कौन, बी से कौन, नाम बता दीजिए अपना, जितने भी लोग हैं मतलब बी से जो है, पर सी से कोई अगर है तो कोई तो होंगे इतने लोगों में है। अच्छा अमीशा जी, और बस एक एक ऐसे नाम हो गया, आप सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। अरे अनसुया, अनुराधा, बहुत लोग हैं। देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। मैं मान लेता हूं एप्पल, बॉल और चेयर, ये तीन चीजें हैं, एप्पल, बॉल, कैट, ए बी सी, ठीक है। अच्छा लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है, भद्रा और अमीशा और सी से कोई और है, ठीक है। तो इन लोगों को हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने दिया। मैंने बोला दोनों ये सारे ट्विन्स हैं, ये सारे ट्विन्स हैं, मतलब ए ए बी बी सी सी पॉसिबल है। क्यों, क्या बोला था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज डाइमराइज करता है, ऑटोफॉस्फोरिलेट करता है लिगेंड के प्रेजेंस में। यहां पे बोला है शी एक्सप्रेस्ड दीज थ्री कंस्ट्रक्ट्स, इन्होंने आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स बनाया ये ए बी सी, एंड एक्सप्रेस्ड दीज कंस्ट्रक्ट्स इन सेल लाइंस लैकिंग द आरटीके आइदर सिंगली, या तो अकेले एबसेंट है या कॉम्बिनेशंस में, समझे कि नहीं। मतलब मान लीजिए ए में से, इधर ए में से क्या कर दिया, एक ए को गायब कर दिया, एक बी को गायब कर दिया, एक सी को गायब कर दिया, और इसके साथ नए कॉम्बिनेशंस बनाए कि ए के साथ एक बार बी जाएगा, एक बार ए के साथ सी जाएगा, और एक बार बी के साथ सी जाएगा। मजा आया, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, आया ना। सी से दीपक जी है, अरे नहीं आप तो डी से हैं, चलिए। ए बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द कॉम्बिनेशन। मतलब ए में ए का बैंड भाई, ए में ए का बैंड। अच्छा चंदू, ए में ए का बैंड, बी का बैंड, सी का बैंड, सबका बैंड अलग अलग, अपने भार के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से, अपने नोट के साइज के हिसाब से। ए प्लस बी में क्या होगा, वही ए का बैंड और सी का बैंड, ए का बैंड, सी का बैंड, बी का बैंड, सी का बैंड, यस और नो। दिस इज योर रेफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, दिस इज योर रेफरेंस कि भाई कौन कहां है, और फिर क्वेश्चन में अपने लॉजिक के हिसाब से मिलाइएगा। क्वेश्चन में कह दिया भाई ए का बैंड ऊपर आएगा, बी का बैंड इधर आएगा, सी का बैंड इधर आएगा। ए की कहानी क्या है, बी की कहानी क्या है, सी की कहानी क्या है, आपको सब पता है। ए प्लस बी का बैंड अगर आया तो ऐसा आएगा, अगर आया तो ऐसा आएगा, अगर आया तो ऐसा आएगा। रेफरेंस इज आइडियल एंड दिस इज सिचुएशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप सिचुएशन पे जाओगे, क्वेश्चन के इन चीजों को यहां पे कंसिडर करोगे। ये जो है ये आइडियल केस, अगर बैंड आया तो ऐसा आएगा, अगर आया तो ऐसा आएगा, समझे कि नहीं। अगर आया तो लिखा हुआ है यहां पे, अगर आया तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखता है, तो आप रेफरेंस लेके इससे मैच करा सकते हो। यूज दिस ओनली फॉर मैचिंग, डोंट यूज दिस फॉर कंपैरिजन, एक चीज सिर्फ रेफरेंस के लिए रहेगा। चलिए, इन्होंने अब ये किया कॉम्बिनेशन में, ये किया सेल को फोड़ा, ब्रेक्स ओपन द सेल एंड एडेड द लिगेंड ऑफ आरटीके इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो लेवल एटीपी। ओ भाई साहब, अभी हमने देखा था एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी का स्ट्रक्चर में हमने क्या कर दिया, इस फॉस्फेट को, फॉस्फेट का मास नंबर जनरली 31 होता है, लेकिन अगर हमने फॉस्फेट का मास नंबर 32 बना दिया और इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, ये 15 होता है, तो इसका एन बाई पी रेशियो बढ़ जाता है, एंड दिस इज वाई इट बिकम्स रेडियो एक्टिव, एंड देयर फॉर कुछ तो रेडिएशन दे रहा होता है, और ऑटो रेडियोग्राफी में ये चमकने लगता है, ये चमकने लगता है, इसीलिए लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग मतलब क्या, अरे गले में पट्टा बांध दिया, गले में पट्टा बांध दिया, किसी शेर के गले में पट्टा बांध दिया, कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया, और देख रहे हैं हम कहां कहां जा रहा है। दिस इज अ वे ऑफ ट्रैकिंग, अगेन रंग नहीं है ये, रंग का ट्रैकिंग नहीं है, कलरफुल ट्रैकिंग नहीं है, बट दिस इज अ टैग वाला ट्रैकिंग, रेडियो एक्टिविटी वाला ट्रैकिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, समझे कि नहीं। खुद ही के वजह से वो खुद को प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम बोल देता है, समझे कि नहीं। रेडियो लेवल एटीपी यूज करने का कारण, क्योंकि एटीपी से फॉस्फेट लेके काइनेज बिंदी लगाता है। तो दोस्तों ये जो बिंदी होगी, ये बिंदी एक रेडियो एक्टिव बिंदी है, रेडियो एक्टिव चमकता हुआ बिंदी। चलिए एक नया बिंदी लाते हैं, बदल देते हैं इसको, फ्रेश बिंदी नहीं, ये रेडियो एक्टिव काला काला बिंदी है। ये जो काला काला बिंदी है इसको लगाया जाएगा, दिस इज द रेडियो एक्टिव बिंदी जो कि नजर आएगा। अगर प्रोटीन पे ये फॉस्फोराइलेशन हुआ है, अगर ये लगा है, फॉर फ्लोरोसेंस भी यूज किया जा सकता है, अगर ये लगाया हुआ है, देन वी विल से कि भाई ये पूरा प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन क्या है, टैग हो चुका है। पर प्रोवाइडेड उसके लिए कपाल तो हो, अगर फोरहेड होगा ही नहीं, अगर कपाल होगा ही नहीं, तो किस बात का बिंदी लगाओगे जी,
बिंदी लगाने वाला था किरदार हमारा, और बिंदी लगा रहा था वो। ये बिंदी अब एक रेडियो एक्टिव बिंदी है, ये सोर नो, क्योंकि हमें अब यहां पे एक नया फैक्ट पता चला है कि दिस इज 32 गामा, हाँ ठीक है, गामा फॉस्फेट लेके इसका हमने ले लिया है 32, 32 आई एम काइनेज, ओके आई एम काइनेज, बिंदी अप्लायर मैं ही हूं। चलिए बहुत अच्छी बात, मतलब सी में वो बिंदी लगेगा ही नहीं क्योंकि इस पे फोरहेड नहीं है। नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज रीजन, दिस इज लॉजिक, दिस इज बुद्धि। तो यहां पे आप बोलोगे कि भाई मुझे सी में बिंदी ही नहीं लगेगा क्योंकि कपाल ही नहीं है ना जी, सी का कपाल नहीं है तो सी में बिंदी लगेगा ही नहीं, सी पे फॉस्फेट लगेगा ही नहीं तो सी का फॉस्फेट चमकेगा ही नहीं, और जो चमकेगा नहीं वो दिखेगा नहीं, जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा, वो नहीं अपियर करेगा, नहीं अपियर करेगा, ठीक है। वो प्रोटीन होगा पर आपको उसको आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, बैंड है, बैंड अभी भी है पर बैंड दिखेगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत समझिए कि बैंड गायब हो जाएगा, कोई चोरी करके लेके भाग जाएगा, अरे नहीं भाई चोरी करके नहीं भागेगा, वो वहीं पे है, उसका पोजीशन जहां पे होना चाहिए था वो वहीं पे है, पर अदृश्य है, अदृश्य है क्योंकि उसके ऊपर वो ठप्पा लग ही नहीं पाया, समझे कि नहीं, यस और नो। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सी का बैंड एबसेंट रहेगा, मिसिंग रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, गायब रहेगा ये बैंड, गायब रहेगा ये बैंड, यस और नो, सब समझ गए। फिर इन्होंने क्या किया, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कराया, इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड द आरटीके एंड देन बाय कुमासी स्टेनिंग एज शोन इन द फिगर बाय ऑटोलिडोग्राफी, क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्या ए दिखेगा, अरे भाई कपाल भी है, कपाल है उसका फॉस्फोराइलेशन भी होगा, कपाल है उस पर रेडियो एक्टिव बिंदी लगाइए ना, जितना मर्जी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, चमकेगा चमकेगा, ए तो चमकेगा भाई, ए तो दिखेगा, मतलब आपके इस बैंड में, मैं अब बोल रहा हूं, चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे अब ना कभी भी ऑप्शन सामने नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन सामने रखोगे तो आपको वो ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में कभी ये सब नहीं करने का, अपना ये सब ब्लाइंडली करते हैं, चलिए डन, इसको हम अपने से एक बैंड बनाते हैं और फिर उसको मैच कराएंगे, यहां पे लेके आएंगे तब मजा आएगा। चलिए इसको मैं इस पेज पे लेके आता हूं, मैंने बोला चलिए मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है और हम इससे एक बैंड को इमेजिन करके बनाते हैं, आज पहला क्लास है इसलिए बहुत बारीकियों के साथ बता रहा हूं, ठीक। आप बोलोगे चलो भाई एक काम करते हैं, हमारे पास रेफरेंस रख लेते हैं, रेफरेंस रख लेते हैं, वो जरूरी है, बिना रेफरेंस के नहीं करना चाहिए कुछ, ये हमारे पास रेफरेंस भी है। अब मैं बोलूंगा मैं अपना बैंड बनाऊंगा, तो मैंने इधर एक इसका रेप्लिकेट बनाया, इधर मान लीजिए मैंने सबको ये कलर उड़ा दिया, सबका कलर उड़ा दिया, ठीक है, जो जो नहीं आएगा उसको मैं उसका मैं कलर उड़ा दूंगा। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, काइनेज है, ए के पास काइनेज है, तीन टायरोसिन भी है, मतलब अपना काइनेज भी है और दूसरा काइनेज भी है, तो कुछ भी हो ये भाई साहब जो है रेडियो एक्टिव बिंदी दिखाएंगे और इनके पास ये बिंदी होगा, दिस इज करेक्ट, दिस बैंड शुड अपियर। अच्छा बी जो है उसके पास काइनेज नहीं है, और यहां पे मजेदार चीज, बी अकेले है, दिस इज अकेले, अलोन 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 अलोन, तो अकेले अगर उसका हाथ नहीं है, अगर वो बिंदी लगा नहीं पा रहा, उसके पास हाथ ही नहीं है, काइनेज ही नहीं है, बिंदी छीन के लगाएगा कैसे, वो अकेले नहीं लगा पाएगा, असक्षम है। तो आप बोलोगे इस भाई साहब के पास हाथ नहीं है, बाइंडिंग एजेंट यानी हाथ नहीं है, कपाल है पर अकेले नहीं कर पाएगा, ऑटो फॉस्फोरिलेशन खुद से नहीं कर पाएगा, वेरी गुड, नो ऑटो फॉस्फोरिलेशन। पहले वाले केस में आप बोलोगे बिंदी लगाने वाला हाथ भी था, कपाल भी था, लगा लिया मस्त, अलोन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सी, अरे सी तो आ ही नहीं सकता, सी इज इंपॉसिबल, सी का बैंड तो हमेशा गायब रहेगा, ठाकुर बन गया, ये दोनों हाथ काट दिए, अच्छा ठीक है, तो ये जो है गायब गायब नहीं रहेगा, नहीं दिखेगा, सी कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे ए प्लस बी में ए आएगा, सही बात है, ए के पास हाथ भी था कपाल भी था, हाथ और कपाल दोनों था, इसके पास बी के पास कपाल था पर हाथ नहीं था, पर ए का हाथ था ना जी, ए बोलेगा अरे मेरे बी है, चलो लगा लो ना बिंदी यार, तुम भी लगा लो, क्या बुरा मानोगी है मेरी सहेली, तो ऐसे करके ये दोनों दोनों ही बिंदी लगा लेते हैं, ए एंड बी हमेशा साथ में आएंगे, ये आएंगे देख लीजिए, जस्टिफाइड है अपने लॉजिक से। फिर आप बोलोगे एक सेकेंड, ए और सी में हम बोलेंगे ए तो ठीक है, ए तो सेल्फ सफिशिएंट, ए फॉर आत्मनिर्भर, ये सर नो, पर सी जो है, सी बेचारा खत्म, खलास हो चुका है, उसका तो कभी आ ही नहीं सकता, वो कुछ भी करे, कपाल ही नहीं है, क्या ही कर देगा वो बिंदी लगा के, गया गया गया, कहां लगाएगा, सही बात है, लगाएगा तो लगाएगा कहां, बी और सी आया है, बी और सी, अच्छा सी से सर कटा, ओके ठीक
ठीक है, बी और सी साथ में है, ये गजब चीज है। बी के पास हाथ नहीं है, बी के पास हाथ नहीं है पर कपाल है, सी के पास कपाल नहीं है पर हाथ है। ओ ये मजेदार केस है। तो बी का बैंड हिसाब से बी धंधाबाज है। बी बोलेगा अरे सी सुनो ना, सी सी ए तुम्हारे पास ना वो हाथ है ना, हाथ है ना, लगा दो प्लीज प्लीज बी यार, लगा दो ना यार तुम। सी बोलेगा पर मेरा क्या है, मेरे पास तो कपाल ही नहीं है यार, तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। बी हा, राक्षस वाला हंसी हंसा और बोला कि ओ सी तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है, खत्म, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज शुड बी आर आंसर, दिस इज आर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन लॉजिक। अब आइए इधर, इसको मैंने उठाया फिर मैं इसको लेके आया पिछले पेज पे, पिछले पेज पे आते हैं और इसको यहां रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। मैच करा लीजिए। ओहो, ये तो मजा आ गया जी। कुछ नहीं है सर, है आंसर वन है, आंसर की में भी वन था। कौन कहा तीन भाई, कौन कहा तीन, सी का बैंड कहां से आ जाएगा, सी हमेशा गायब रहेगा, सी हमेशा गायब रहेगा, कुछ भी कर लीजिए, सारे पापड़ बेल लीजिए, सी नहीं आ पाएगा। अच्छा अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक जर्नी था, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत टाइम वेस्ट किया, हम बहुत टाइम वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, जो भी किया। एक सवाल लाया था हमने जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, यही वो क्वेश्चन था जिसको 75% लोग सॉल्व नहीं करते। क्या है, हाँ ए और बी में बी के नीचे बैंड है ना, बी का बैंड आएगा ना, एक और क्वेश्चन, ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेंगे, रुकिए रुकिए अभी रुकिए, फिलहाल लेट मी टेल यू मैं क्या बताना चाह रहा था। ये क्वेश्चन हमने एक सिंपल बिंदी और हाथ और इन सब चीजों से बना लिया। अब देखिए सीएसआईआर आपसे एक इमेजिनरी बिंदी एग्जाम हॉल में घुसने से पहले निकाल नहीं सकता, आपका हाथ निकाल नहीं सकता, आपका हाथ निकाल नहीं सकता और आपका दिमाग नहीं निकाल सकता। दीज आर योर चिट्स, यही आपके चिट्स हैं जो कि आपको वहां पे हेल्प करेंगे, और यही सब चिट्स आप प्रिपेयर करके लेके जाओगे जिसको दुनिया जो है अनफेयर मींस तो मानती नहीं है। समझ आया, क्वेश्चन आपसे बात करेगा,